नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पहले उन्हें लालच देकर खरीदने की कोशिश की गई, इसके बाद धमकी पर धमकी दी गई, लेकिन फर्ज के पक्के पत्रकार राजदेव रंजन न बिकने वालों में से थे, न डरने वालों में से। आखिरकार अपराधियों ने उन्हें सरेआम गोली मारकर अपने रास्ते से हटा दिया। शक जताया जा रहा है कि सिवान के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के पीछे आरजेडी के बाहुबली शहाबुद्दीन का हाथ है। आपको इस हत्याकांड में पकड़े गए चार आरोपियों की भी हम आगे बात सुनाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे पुलिस की तफ्तीश में इस हत्या के तार शहाबुद्दीन से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस भले ही इन चारों से पत्रकार मर्डर केस में पूछताछ करे, लेकिन गिरफ्त में आए उपेंद्र सिंह और शहजाद खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि पत्रकार मर्डर केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो पत्रकार राजदेव रंजन को जानते थे और ना ही कभी कोई धमकी दी। जी सर, हम नहीं जानते हैं कुछ भी। हम दारू पीते हुए पकड़े गए और चले आए। आप राजदेव के हत्या का आरोप लगा है? अब लगा हो सर, लेकिन हमें पता नहीं है सर। लेकिन उसकी पत्नी ने भी आप पर आरोप लगाया है? हमें पता नहीं है सर। वो कह रही थी कि आप लगातार उसको धमकी दे रहे हैं? जी कभी नहीं सर। उपेंद्र जी, आपको तो वहाँ से जब पुलिस ने पकड़ा तो आप पर यही आरोप है ना? जी ना हजूर, हम दारू पीते हुए पकड़ाए थे। लेकिन आप तो राजदेव को आपने फोन किया था, धमकी? जी कभी नहीं सर। जी ना सर। उपेंद्र सिंह अभी है? जी सर। आपको किस मामले में गिरफ्तार? हम दारू पीते हुए बैठे थे, भट्टे पे पकड़ा है। तो आपने राजदेव को जानते थे आप? जी ना सर। उसको फोन किया करते? जी कभी नहीं। मेरा मोबाइल से उनका नंबर निकाल लिया जाए, कभी उनको से बात नहीं हुआ। कभी नहीं हजूर। आप बताइए जी, बोले आप पर भी आरोप है क्या? नहीं नहीं, हमारा दारू पीने पर आरोप है। हम दारू पी के भैया। लेकिन उपेंद्र जी आप पर तो यह है कि हत्या का आरोप है? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है सर। आपको तो हत्या करने का आप पर आरोप लगाया? जी हमें पता है। इसी मामले में पूछताछ कर रही है? जी ना सर। आप जो है शहाबुद्दीन से जुड़े हुए हो? जी ना सर। हम उनके उनके हमारे प्रतिनिधि हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इस मर्डर मिस्ट्री के तार शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। क्या बाहुबली शहाबुद्दीन ने कराई पत्रकार की हत्या? क्या सिवान जेल में बनी हिटलिस्ट में थे राजदेव रंजन? क्या है सिवान के पत्रकार के मर्डर का शहाबुद्दीन कनेक्शन? सिवान के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन के सनसनीखेज मर्डर केस के तार जेल में बंद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से जोड़ रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन ने ही हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करवाई है। तफ्तीश, तलाशी और छापेमारी में जुटी सिवान पुलिस ने अब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों में शहाबुद्दीन का करीबी उपेंद्र सिंह भी शामिल है, जिस पर 2014 में हुए श्रीकांत भारती हत्याकांड में शामिल होने का आरोप भी लग चुका है। उपेंद्र सिंह ईंट का भट्टा चलाता है। राजदेव की पत्नी का कहना है कि सिवान की कानून व्यवस्था की बदहाली पर कलम चलाते वक्त उनके पति को लगातार धमकियां मिल रही थी। उपेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने राजदेव को अपनी चिमनी की ईंट देने का लालच भी दिया था, लेकिन राजदेव ने उपेंद्र सिंह का ऑफर ठुकरा दिया था। साल डेढ़ साल पहले उनको धमकी आई थी जब श्रीकांत भारती जी की हत्या हुई थी, उसके बाद उनको धमकी मिली थी कि इनके बाद अब आपका नंबर है अगर आप न्यूज़ लिखना नहीं छोड़िएगा तो। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा जितनी इनको जानकारी थी, और वो जबकि वो सारा न्यूज़ पटना के हवाले से छपता रहा। अब हमको जैसा कि पता चला कि कोई चिमनी वाला है आंदर में, शायद उपेंद्र सिंह नाम है उनका, उनके द्वारा ही ये दिया गया था प्रलोभन, जिसको इन्होंने साफ मना कर दिया था। सवाल यह है कि राजदेव रंजन को धमकियां कौन दे रहा था? कौन था जिसे राजदेव रंजन से खतरा महसूस हो रहा था? उपेंद्र सिंह ने राजदेव को प्रलोभन क्यों दिया था? पुलिस का मानना है कि इन सवालों के जवाब उपेंद्र सिंह से ही मिल सकते हैं।
क्योंकि 2014 में श्रीकांत भारती हत्याकांड में जांच के दौरान उपेंद्र सिंह और चवन्नी सिंह का नाम सामने आया था। श्रीकांत भारती के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि हत्या शहाबुद्दीन के इशारे पर की गई थी। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत भारती और राजदेव रंजन के मर्डर केस में बहुत कुछ एक जैसा है। दोनों की हत्या एक ही जगह पर और एक ही तरीके से की गई। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें शहाबुद्दीन का एक शार्प शूटर भी शामिल है। हालांकि पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी का कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमको भी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो शुरू से उन्होंने पत्रकारिता की और उनके हवाले से जितनी जानकारी है हमको सिवान और बिहार पुलिस के बारे में है, उतनी जानकारी शायद आम जनता में किसी घरेलू फैमिली वालों को नहीं होगी। इसलिए हमको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई की जांच चाहिए और उनके हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहाबुद्दीन का इतिहास बताता है कि पुलिस, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी इस बाहुबली के निशाने पर रहे हैं। बिहार पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि राजदेव रंजन लंबे समय से शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में थे। उन्हें धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की गई, लालच देकर खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन फर्ज के पक्के राजदेव सिंह बिकने और झुकने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। प्रशांत झा, इंडिया टीवी, सिवान। आपने देखा पत्रकार मर्डर का शहाबुद्दीन कनेक्शन। उससे पहले हमने आपको आरोपियों की बात भी सुनाई और आपको अब बताते हैं पुलिस का आखिर क्या कहना है। आरोपी भले ही खुद को बेकसूर बता रहे हों, लेकिन पुलिस जल्द से जल्द केस सुलझाने का दावा कर रही है और पुलिस भी इशारों में केस के पीछे बाहुबली शहाबुद्दीन का कनेक्शन होने की बात मान रही है, लेकिन उसे इंतजार पुख्ता सबूत का है। प्राथमिक साक्ष्य में किन किन लोगों का नाम आया है और घटना के पीछे क्या है? लोगों का नाम अभी बताना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए तहकीकात और तफ्तीश अभी चल रही है और अगर उन्हें अंदेशा होता है तो ऐसी स्थिति में वो हमारे सामने मौजूद नहीं होंगे। शहाबुद्दीन तक सब की सुई जा रही है क्या? अभी जैसा मैंने आपको कहा है कि जो प्राथमिक लेवल पर ही साक्ष्य है, तो एक बार जब इनमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है वो लोग सब जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ और कौन कौन इन्वॉल्व है। अभी तक कितने लोग और लिए गए हिरासत? कुछ लोगों से और अलग अलग लोकेशन से पूछताछ चल रही है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। इन लोगों का कोर्ट का प्रोडक्शन होगा, उससे उसके बाद भी जाँच चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से जब हम पुख्ता साक्ष्यों के साथ जाएंगे। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद से आरोपी समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद को बचाएं कैसे, और इसी पशुपेश का नतीजा ये है कि अपनी सफाई देते हुए वो एक दूसरे की बातों को ही गलत साबित कर रहे हैं। एक आरोपी विजय बहादुर के मुताबिक उपेंद्र सिंह को सभी आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया, तो दूसरे आरोपी जितेंद्र के मुताबिक उपेंद्र सिंह उस वक्त उनके साथ नहीं थे। आपके साथ उपेंद्र जी भी गिरफ्तार किए गए? जी। दोनों आप लोग साथ में गिरफ्तार किए गए हैं ना? जी जी। तो आप उसी मामले में जो पत्रकार हत्याकांड हुआ है? नहीं, उसमें नहीं। हम लोग तो किस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया? हम लोग दारू और पिए थे सर। हाँ, दारू और पिए थे। आपके साथ कौन कौन लोग बैठे हुए थे वहाँ? तीन चार चार आदमी वही थे। उसमें कौन कौन है नाम बताइए ना, आपके साथ कौन कौन थे? रूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और एक शहजाद था। ये सब लोग आप लोग साथ बैठे हुए? बैठे नहीं थे, हम लोग सोए थे। उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। उसी में थे सर। जी, तो आपको मतलब आप लोगों के साथ उपेंद्र सिंह भी थे वहाँ बैठे थे? ना, हम लोग के साथ उपेंद्र सिंह नहीं थे। नहीं थे, ये तो बता रहे हैं जितन जी कि उनके साथ बैठे ना। उपेंद्र सिंह कहाँ थे? हम लोग दारू में सर, दारू पी रहे थे, उसी में पकड़ाए गए। एक बार फिर सुनाते हैं आपको मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह की बात। उपेंद्र सिंह जो शहाबुद्दीन का करीबी है, पत्रकार मर्डर केस में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और जब इंडिया टीवी संवाददाता प्रशांत झा ने उससे बात की तो सुनिए क्या कहा। जी सर, हम नहीं जानते हैं कुछ भी, हम दारू पीते हुए पकड़े गए और चले आए। अब लगा हो सर, लेकिन हमें पता नहीं है सर। उसकी पत्नी ने भी आप पर आरोप लगाया? हमें पता नहीं है सर। वो कह रही थी कि आप लगातार उसको धमकी दे रहे हैं? जी कभी नहीं सर। उपेंद्र जी, आपको तो वहाँ से जब पुलिस ने पकड़ा तो आप पर यही आरोप है ना? जी ना हजूर, हम दारू पीते हुए पकड़ाए थे। लेकिन आप तो राजदेव को आपने फोन किया था, धमकी? जी कभी नहीं सर। जी ना सर। उपेंद्र सिंह अभी है? जी सर। आपको किस मामले में गिरफ्तार? हम दारू पीते हुए बैठे थे, भट्टे पे पकड़ा है। तो
आपने राजदेव को जानते थे आप? जी ना सर। उसको फोन किया करते जी? कभी नहीं, मेरा मोबाइल से उनका नंबर निकाल लिया जाए, कभी उनको से बात नहीं हुआ। कभी नहीं है। आप बताइए जी, बोले आप पर भी आरोप है क्या? नहीं नहीं, हमारा दारू पीने पर आरोप है, हम दारू पी के भैया भैया। लेकिन उपेंद्र जी आप पर तो यह है कि हत्या का आरोप है? जी जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है सर। आपको तो हत्या करने का आप पर आरोप लगाया? जी जी हमें पता है। इसी मामले में पूछताछ कर रही है? जी ना सर। आप जो है शाहबुद्दीन से जुड़े हुए हो? जी ना सर। हम उनके हमारे प्रतिनिधि हैं।